मात पिता गौधाम महातीर्थ में विश्व का पहला मात पिता मंदिर की नींव पूजा स्थापना चल रही है, जहां पर मैं आज हूं अपनी सहयोगी टीम के साथ। बहुत ही भव्य दिव्य प्रोग्राम प्रातःकाल से चल रहा है और कई गणमान्य व्यक्ति और कई लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं इस प्रोग्राम में अपने आज के साक्षी बनने के लिए पहुंचे। और हमारे बीच में आज दयानंद शास्त्री आचार्य जी हैं, संगरी वाले हैं, पहुंचे हुए यहाँ पर। जरा पूछ के देखता हूँ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आज आप विश्व के पहला जो मंदिर बनने जा रहा है, इसका भव्य और दिव्य आपकी भूमिका दिखाई दे रही है, क्या बोलेंगे? बढ़िया भजन कीर्तन का प्रोग्राम है, भक्त वत्सल भगवान की है, श्री मात पिता गौधाम की, गौ माता की, श्री नंदनी गौ माता की, परम पावन मात पिता गौधाम मोहाली कल्लौर में विश्व का ऐतिहासिक और पहला मात पिता मंदिर का शुभारंभ आज शिलान्यास का कार्य परिपूर्ण हुआ है, या दिव्यतम मंदिर बनने जा रहा है। वास्तविकता यही है कि वस्तुतः सचेतन और जंगम देवता के रूप में हमारे घर में हमारी माता पिता है और उनका स्थान हृदय में है। आज भक्तों के हृदय की विशालता से हृदय का ही मूर्त रूप माता पिता आज मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। महाराज जी, जो समिति लोग जिनके द्वारा प्रयास किया गया, उस समिति के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? माता पिता के प्रति ये मंदिर ही अपने लिए आदर्श होगा, एक प्रेरणा का स्रोत होगा कि जिन माता पिता के लिए मंदिर का निर्माण कर सकते हैं तो घर में उनका क्या स्थान होना चाहिए, हृदय में स्थान क्या होना चाहिए, व्यवहार और सेवा में उनका कितना सम्मान होना चाहिए। आज समाज के श्रीमानों ने अपने वैभव का अंश जो इसमें समर्पित किया, उनका त्याग निश्चित रूप में माता पिता की श्रद्धा को ही तो दर्शा रहा है। तो कोई श्रीमान, कोई धनवान, कोई प्रेमी अपने माता पिता के निमित्त यदि धन का न्यौछावर करते हैं, इसका मतलब है कि माता पिता के प्रति उनका समर्पण है। और यह समर्पण केवल आज के लिए नहीं है, हमारी आदि परंपरा। महाराज जी, समिति के द्वारा आज तक ऐसा मंदिर नहीं बना, ये पहला बना है, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच दिखाती है, उस सोच को क्या बोलेंगे आप, जिसने की पहले ये प्लान आउट किया होगा, समिति के लोग, समिति मात पिता गौधाम, मात पिता गौधाम में माता पिता का सर्वोपरि स्थान, जो मन की भावना हमारे प्रेमी भक्त बालिया जी की रही और सभी प्रेमियों में स्वभाव का विस्तार किया, निश्चित रूप से ही अगाध और प्रगाढ़ भक्ति माता पिता के प्रति दर्शाता है। जनता को क्या बोलना चाहेंगे आप, जो आने वाले टाइम में यहाँ पर दौरा करे, क्या बोलेंगे आप? इस मंदिर को देख लेने के बाद उनके अंतःकरण में एक भावना की स्फूर्णा होगी कि कोई भक्त अपनी माता पिता के इतना भव्यतम मंदिर बना सकते हैं तो क्या हम घर घर में अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर सकते? आज का परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा, युवा हमें यहाँ पर बहुत कम नजर आ रहा जी। क्या वास्तविक ये मंदिर बहुत अहम भूमिका निभाएगा? मंदिर की भूमिका तो अपने आप में इतिहास बनकर रहेगा और जिन सहृदय कोई भक्त आएंगे, बरसात तो होती है खेतों में भी और सूखे दरखत पर भी, तो सूखे दरखतों में डालियां फूटती नहीं पर फसल हरा भरा हो जाता है। जिनका हृदय रसमय होगा, सहृदय होगा, वो निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करेंगे कि धर्मात्मा ने माता पिता का मंदिर बनाया तो हमें भी अपने घर में ऐसी हरियाली लानी चाहिए, अपने बड़ों का मान आदर सेवा सम्मान आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं संदेशा जाएगा, लोग सीखेंगे, युवा कहीं ना कहीं जो मिशन है पूरी तरीके से कि माता पिता में अपने भाव और भगवान का एहसास करें लोग, ऐसा संदेशा समिति के। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम सहयोगी टीम के लिए, तमाम लोगों के लिए।